क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दिवाली के बाद जलाए गए दियों का क्या करना चाहिए? अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम ने बताया कि दिवाली के दिन जलाए गए दियों को अगले दिन पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इतना ही नहीं, दिवाली में जले दीपक का ज्योतिष गणना में कई उपाय भी बताए गए हैं। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक दिवाली के बाद दिए के उपाय करने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में दिवाली के बाद जलाए गए दियों में से 5 घर में रखें और बाकी बच्चों में बांट दें। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी दुख दूर हो जाते हैं। ज्योतिषी पंडित का कहना है कि ज्यादातर लोग दिवाली में जलाए गए दिए नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते। यदि ऐसा है तो इन दियों को घर में छिपाकर यानी ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। कहते हैं कि घर में रखे दिए देखकर घर से निकला शुभ नहीं होता और बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इसके लिए बेहतर है कि इन दीपों को घर में छिपाकर रखें। ऐसे करने से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि दिवाली में जलाए दियों को दान करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी और मां लक्ष्मी का भी वास होता है। इसके अलावा सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है।